न्यूमेरिकल्स ऑन वाई डी एस सी में पहला पॉइंट, ब्राइट फ्रिंज का पार्ट डिफरेंस क्या होता है एन लैमडा, डार्क फ्रिंज का पार्ट डिफरेंस क्या होता है टू एन माइनस वन इंटू लैमडा बाई टू, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज सेंटर से क्या होता है एन लैमडा डी बाई डी किया था आज हमने, और डार्कनेस का डिस्टेंस क्या होता है टू एन माइनस वन इंटू लैमडा डी बाई टू डी, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है लैमडा डी बाई डी। तो एंगुलर पोजिशन निकालने का क्या तरीका बताया था, एंगुलर पोजिशन nth ब्राइट फ्रिंज की, तो तुमने कुछ नहीं करना nth ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिवाइड कर देना है तो ये आंसर आ जाएगा, और एंगुलर पोजिशन nth डार्क फ्रिंज की, तो डार्क फ्रिंज के x की वैल्यू को nth डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस को यानी कि इसको कैपिटल डी से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बेस पे पहला क्वेश्चन, अब ध्यान ध्यान से पढ़ना है क्या क्या टर्म्स गिवन है। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट The two parallel slits are made 1 millimeter apart. Parallel slits का मतलब क्या गिवन है small d, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। And screen is placed 1 meter away. क्या गिवन है capital D. क्या निकालना है What is the fringe separation? Fringe separation क्या होता है beta. जब lambda की वैल्यू मुझे नैनोमीटर में गिवन है तो beta का फॉर्मूला क्या होता है lambda बड़ा d by छोटा d आंसर। क्लियर है, फ्रिंज सेपरेशन समझ में आ रही है, फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज सेपरेशन एक ही बात है, कोई डाउट इसमें? तो ये इसका आंसर है 15th, देखें प्लीज। लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन इज इंसिडेंट ऑन पेयर ऑफ स्लिट्स प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 8.1 mm। लैम्डा 1 पता है, बीटा 1 पता है, लाइट चेंज कर दी, सेकेंड लाइट है, सेकेंड लाइट के अंदर फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय क्या गिवन है बीटा 2, आपको लैम्डा बताना है। तो सिंपल है, बीटा होता क्या है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ना तो कैपिटल डी चेंज किया ना स्मॉल डी चेंज किया, तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो बीटा 1 बाय बीटा 2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, लैम्डा 2 निकालना है, गिवन 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 आंसर, तीन चीजें गिवन है, चौथी निकालनी है आंसर। तो समझ में आ रहा है कि दो वेवलेंथ चेंज की और बीटा की वैल्यू भी चेंज हो गई, कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो प्लीज, 16 येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन, ध्यान आगे, आपको येलो लाइट की वेवलेंथ लैम्डा 1 पता है, प्रोड्यूसेस फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का मतलब बीटा 1 पता है, वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट में व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ बीटा 2 निकालना है इफ लाइट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय वेवलेंथ, सेम क्वेश्चन है लैम्डा 2, लेकिन साथ में एक और चीज चेंज कर रहे हैं एंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज डबल्ड, स्लिट सेपरेशन क्या होती है छोटा डी, छोटा डी को क्या कर देना है 2D। तो पहला केस क्या बनेगा बीटा 1 लैम्डा 1 बड़ा डी बाय छोटा डी, दूसरा केस बनेगा लैम्डा 2 बड़ा डी बाय छोटा 2D, क्योंकि स्मॉल डी को भी क्या करना है चेंज, राइट। आप इन्हें डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आएगी, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल, तो लैम्डा 2 पता है, लैम्डा 1 पता है, बीटा 1 पता है, बीटा 2 कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की दो केस कैसे बनेंगे, स्मॉल डी की जगह 2D यूज कर लेना, बात खत्म, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, नेक्स्ट, इन अ टू स्लिट एक्सपेरिमेंट विद मोनोक्रोमेटिक लाइट
फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट्स, ठीक है, कैपिटल डी है. इफ स्क्रीन इज मूव्ड कितना 5×10⁻²⁪ मीटर टूवर्ड्स द स्लिट. अब ये इंपॉर्टेंट है, कैसे? अगर मान लो ये स्लिट्स हैं और ये स्क्रीन है, तो अगर मान लो इनके बीच में पहले डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी. अब मैंने क्या कर दिया, स्लिट्स को पास ले आया स्क्रीन के, नया डिस्टेंस कितना हो गया, डी डैश. और कितना पास ले आया मुझे गिवन है, तो मुझे क्या गिवन है, डी माइनस डी डैश. डी माइनस डी डैश का मतलब है कितना पास ले आया. तो मेरे को डी नहीं पता, मुझे डी डैश भी नहीं पता, मुझे डी माइनस डी डैश पता है. ये पॉइंट समझ में आया कि मैं स्लिट्स को पास ले आया का मतलब पहले डिस्टेंस डी था, अब डी डैश है, तो डी माइनस डी डैश पास ले आया. और साथ में मुझे क्या गिवन है, चेंज इन फ्रिंज विड्थ. ये फ्रिंज विड्थ नहीं है, पहले फ्रिंज विड्थ बीटा थी, अब बीटा डैश है, तो मुझे डिफरेंस पता है इनका, यानी कि बीटा माइनस बीटा डैश पता है. तो मुझे क्या निकालना है इसमें, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज. देखो मुझे इस केस में पहले जब डिस्टेंस कैपिटल डी था स्क्रीन का तो बीटा ये रहा, जब डिस्टेंस कैपिटल डी डैश हो गया पास ले आया तो बीटा डैश चेंज हो गया. इन दोनों को माइनस कर लें, माइनस करके बीटा माइनस बीटा डैश पता है, चेंज इन फ्रिंज विड्थ का मतलब ये डिफरेंस पता है, डी माइनस डी डैश पता है, स्मॉल डी पता है, लैम्डा निकाल लेना आंसर. कैलकुलेशन अपनी अपनी है, तो इनको माइनस करके समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला बनेगा. तो आपको ये चेंज पता है, आपको ये चेंज पता है, आपको स्मॉल डी पता है, लैम्डा आंसर. मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक. 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखें प्लीज. अंदर इन यंग्स एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा पता है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ एक्स आर ऑब्टेन्ड. फ्रिंज विड्थ एक्स बोल रहे हैं, चलो बीटा एक ही बात है, एक्स या बीटा एक ही बात है. द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज टू 600, पहले कितनी थी 400, अब कितनी होगी 600. सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ, पहले कितनी थी स्मॉल डी, अब कितनी होगी स्मॉल डी बाई 2. If one wants to observe fringe widths on the screen to be same in the two cases, वो कह रहे हैं जी बीटा दोनों में सेम देखना चाहता है वो, बीटा चेंज ही नहीं करना या एक्स चेंज ही नहीं करना, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड प्लेन ऑफ इंटरफेरिंग सोर्सेज, ये क्या होता है कैपिटल डी. स्क्रीन और सोर्सेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी की रेशियो क्या होगी, ये क्वेश्चन है. जब आपकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है और डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन कैपिटल डी 1 है, तो आपका बीटा इतना है. दूसरे केस में लैम्डा चेंज कर दिया लैम्डा 2, स्लिट का डिस्टेंस स्मॉल डी की जगह हाफ कर दिया, कितना स्मॉल डी बाई 2, कैपिटल डी 2, स्क्रीन का डिस्टेंस चेंज करना पड़ा ताकि बीटा रिमेंस सेम. बीटा चेंज ही नहीं हुआ, वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीटा रिमेंस सेम. तो तुम इसे और इसे इक्वेट कर लो, इक्वेट करके कैपिटल डी 1 और कैपिटल डी 2 की रेशियो निकाल लो आंसर, क्योंकि लैम्डा की रेशियो आपको पता है. मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, तो बीटा दोनों में निकालो तो इंडिपेंडेंट केसेस में, और दोनों बीटा को इक्वेट कर दो. कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक. इस क्वेश्चन को देखो, यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर वेवलेंथ पता है और बीटा पता है. पूरे अपरेटस को किसी लिक्विड में डाल दिया, 1.33 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को, कह रहे हैं नया बीटा क्या होगा, फ्रिंज विड्थ क्या होगी. ये कुछ करने की जरूरत कहां है,
शॉर्टकट करवाया था। नया बीटा क्या होता है? पुराना बीटा डिवाइडेड बाय म्यू। बस एक ही स्टेप में आंसर आ गया, डन। ये तो पता नहीं क्या करे जा रहा है, प्रूफ करे जा रहा है। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डालने से क्या हो जाता है? नया बीटा बीटा बाय म्यू हो जाएगा, बात खत्म। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? तो सीधा शॉर्टकट मारेंगे इसमें। नेक्स्ट, यंग्स एक्सपेरिमेंट में लाइट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, इस बार आपको लैम्डा की जगह फ्रीक्वेंसी दे दी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजेसेंट फ्रिंजेस, एडजेसेंट फ्रिंजेस का मतलब बीटा दे दिया, स्क्रीन इज 1.5 मीटर अवे यानी कि कैपिटल डी भी दे दिया। क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट स्मॉल डी निकालना है। देखो तो एक ही फॉर्मूला है, बीटा इज लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। आपको क्या निकालना है? आपको स्मॉल डी निकालना है। गिवन गिवन पर लैम्डा नहीं गिवन, इसकी जगह फ्रीक्वेंसी गिवन, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी गिवन, स्पीड ऑफ लाइट गिवन, यहाँ से क्या जाएगा? लैम्डा। लैम्डा निकाल के क्या जाएगा? छोटा डी। तो समझ में आ रहा है, जिन क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा उनमें? लैम्डा। फॉर्मूला में इस क्वेश्चन ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्या गिवन है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज, क्या गिवन है? स्मॉल डी की कैपिटल डी? स्मॉल डी। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज स्मॉल डी एंड स्क्रीन इज 2 मीटर अवे, क्या गिवन है? कैपिटल डी। स्मॉल डी कैपिटल डी दोनों दे दिया। टू इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, वन ड्यू टू लाइट विद वेवलेंथ 480 नैनोमीटर, लैम्डा वन पता है और दूसरा लैम्डा टू पता है। लैम्डा वन पता है और लैम्डा टू पता है। लैम्डा वन पता है और लैम्डा टू पता है। व्हाट इज द सेपरेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ द टू इंटरफेरेंस पैटर्न? देखो इस क्वेश्चन में कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों चीजें पता है। तुमने पहली लाइट लैम्डा वन यूज की, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज किसी डिस्टेंस पे बनी, जब तुमने लैम्डा को चेंज किया फिर से फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज किसी और डिस्टेंस पे बड़ी बनी, वो क्यों? क्योंकि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की दूरी होती क्या है? एन लैम्डा डी बाई डी, और एन की जगह क्या पुट करेंगे? 5। तो जब तुमने पहली वेवलेंथ लैम्डा 480 पुट की, 480 नैनोमीटर, तो एक्स फाइव ये आ गया, और जब तुमने वेवलेंथ 480 की जगह 600 यूज की तो नया एक्स फाइव आ गया। देखो एक्स चेंज होएगा ही क्योंकि ब्राइट फ्रिंज, पांचवी ब्राइट फ्रिंज की दूरी चेंज होगी क्योंकि लैम्डा चेंज हो रहा है। वो कह रहे हैं इनमें डिफरेंस क्या होगा दोनों फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज में, तो आप दोनों को क्या कर दें? माइनस, माइनस करके डिस्टेंस आ गया। तो लॉजिक समझ में आ रहा है क्या है? कि जब तुमने लैम्डा वन की जगह लैम्डा टू किया तो तुम्हारा फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस स्क्रीन पे चेंज हो गया। वो कितना चेंज हुआ ये क्वेश्चन है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड एंड एनथ ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट पी। ध्यान से समझना, मैंने वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम यूज की, पी पॉइंट पर एनथ ब्राइट फ्रिंज बन गई। कीपिंग सेम सेटिंग, सेम सेटिंग का मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी को चेंज नहीं करना। सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वेवलेंथ, वेवलेंथ चेंज कर दी। एंड नाउ एन प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज बन गई उसी पॉइंट पी पर, पॉइंट पी शिफ्ट नहीं हुआ, दूरी पॉइंट पी की रिमेन्स दोनों केस में सेम। तो एनथ ब्राइट फ्रिंज कब बनी, एनथ ब्राइट फ्रिंज की दूरी होती क्या है, एन लैमडा डी बाई डी। तो आप इसमें एनथ ब्राइट फ्रिंज बनाए जब लैमडा की वैल्यू कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम, तो आपने ये पुट कर दिया। दूसरे केस में एक्स को चेंज नहीं करना क्योंकि पॉइंट चेंज नहीं हुआ, एन की जगह कौन सी ब्राइट फ्रिंज बन गई, एन प्लस वन, लेकिन लैमडा चेंज हो गया लेकिन एक्स तो सेम ही है, तो आप इन दोनों एक्स को इक्वेट कर लें और एन निकाल लें। आंसर वो यही पूछ रहे कि एन की वैल्यू कितनी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि एक्स को चेंज नहीं करना, एनथ ब्राइट फ्रिंज लें, एन प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज लें और डिस्टेंस एक्स को सेम रखते हुए इक्वेट कर लें, एन आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ऐसा, इसे पढ़ना। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 800 और 600 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑन द स्क्रीन प्लेस 1.4 मीटर अवे। क्या गिवन है, दो वेवलेंथ है, लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, और कैपिटल डी भी पता है। इफ टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm, क्या गिवन है, क्या गिवन है, स्मॉल डी। कैलकुलेट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ कोइंसाइड। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो दो वेवलेंथ यूज की, ये बात समझ में आती है, लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों में सेम है, समझ में आती है। वो कह रहे लीज डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, मतलब सारे डिस्टेंसेस कहां से लिए जाते हैं, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कितनी दूरी लूं, एक्स बताओ, जहां पर दोनों की ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड हो रही है, यानी कि पॉइंट भी अब भी चेंज नहीं हो रहा, पॉइंट भी अब भी चेंज नहीं हो रहा, और कौन सी ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड हो रही है। एक काम करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, लैम्डा वन यूज करते हैं, तो मतलब पहली वेवलेंथ लैम्डा वन है, तो मान लो एनथ ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस हुई, तो एन लैम्डा वन डी बाई डी, राइट। अब कह रहे हैं जब मैंने वेवलेंथ को चेंज किया तो एन भी मेरा चेंज हो गया, कोई मुझे यह बताएगा कि एन की जगह मैंने अगला एन प्लस वन क्यों पुट कर दिया, जब मैंने वेवलेंथ को लैम्डा टू किया, एन प्लस टू क्यों नहीं किया, एन प्लस थ्री क्यों नहीं, उसने बोला ही नहीं कि नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, पर मैंने कैसे ले लिया एन की जगह एन प्लस वन, क्योंकि वो लीस्ट है। तो अगर चौथी ब्राइट फ्रिंज बन चुकी है तो अगली तो पांचवी बनेगी, आठवीं कैसी बन जाएगी। तो लीस्ट केस का मतलब है एन इक्वल टू वन के बाद एन इक्वल टू ही टू का ही केस आएगा, एन की जगह एन प्लस वन ही आएगा। हाँ, आप ये बोल सकते हो मुझे एन माइनस वन भी तो हो सकता था, क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू देखो, मुझे पता है लैम्डा कितना है, लैम्डा की वैल्यू यहां पर ये एन छोटा है, एन बढ़ गया तो लैम्डा पक्का घटाया होगा, अगर ये घट गया तो ये बढ़ना ही पड़ेगा, तक ये प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, लॉजिक है ना, अगर ये चीज घट रही है तो एन बढ़ रहा है ताकि इनका प्रोडक्ट एक्स ही रहे। तो पॉइंट शिफ्ट नहीं हुआ, पॉइंट वही है, तो एक जगह पर एनथ ब्राइट है, एक जगह पर एन प्लस वनथ ब्राइट है, दोनों को इक्वेट किया, सॉल्व किया, एन आ गया, पर उसने एन नहीं पूछा, उसने वो पॉइंट की दूरी पूछी, पॉइंट की दूरी कितनी है, एक्स, एन पता है, लैम्डा वन पता है, डी पता है, डी पता है, एक्स निकाल लेना आंसर। मेथड समझ में आया कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक। नेक्स्ट, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर 0.2 mm अपार्ट, क्या गिवन है, छोटा डी। स्क्रीन 1.5 मीटर अपार्ट, क्या गिवन है, बड़ा डी। इट इज ऑब्जर्व दैट डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ डार्क फ्रिंज इज 1.8। सेंट्रल सारे डिस्टेंसेस सेंट्रल ब्राइट से निकलते हैं, तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज क्या है, फोर्थ सॉरी डार्क फ्रिंज क्या है,
डार्क फ्रिंज की दूरी कैसे निकलती है, 2n-1 × λ d/2d, फोर्थ का मतलब n की जगह 4 पुट करो तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, 7। आपको इस क्वेश्चन में ये पता है डिस्टेंस 1 पॉइंट कितना है, 8 मीटर में कन्वर्ट कर लेना। आपको d पता है, स्मॉल d पता है, आपको क्या निकालना है, लैम्डा, लैम्डा निकाल लेना आंसर। तो कुछ नहीं है इसमें, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की दूरी के ऊपर ही क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, क्या गिवन है, स्मॉल डी, स्क्रीन का मतलब कैपिटल डी, ये गिवन है। आगे इट इज फाउंड दैट 9th ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.835 mm फ्रॉम सेकेंड डार्क फ्रिंज। एक काम करो, इसको छोड़ो सॉल्यूशन को, 9th ब्राइट फ्रिंज निकालने जा रहा हूं, 9 λ d/d, राइट, सेकेंड डार्कनेस निकालने जा रहा हूं, सेकेंड डार्कनेस 2n-1 λ d/2d, और n की जगह क्या पुट कर देंगे, 2, राइट। और आपको डिफरेंस पता है x9-x2 का, कितना पता है, 8.83 mm का मतलब 10⁻³। तो x9 पुट कर दें, x2 पुट कर दें, सॉल्व करके क्या निकालना है, वेवलेंथ, लैम्डा निकाल दें आंसर। ये तो खाम खाई लंबा मेथड करे जा रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस करके वैसे आंसर आ रहा है। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन है यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर स्लिट्स आर 1.5 mm अपार्ट, क्या गिवन है, छोटा डी। व्हेन स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स स्क्रीन इज केप्ट 1 मीटर, क्या गिवन है, कैपिटल डी। विड्थ ऑफ 10 फ्रिंजेस इज 3.93, भाई ये 10 बीटा है, एक फ्रिंज विड्थ बीटा है, तो 10 बीटा गिवन है, तो 10 बीटा अगर ये गिवन है तो बीटा क्या होगा, इसको 10 से डिवाइड करके बीटा आएगा, तो बीटा आ गया। कह रहे वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज क्या है, भाई जब तुम बीटा निकाल चुके हो, बीटा होता क्या है, लैम्डा डी बाई डी, यहां से लैम्डा निकाल लेना आंसर। तो बीटा निकाल के लैम्डा डी बाई डी करके आंसर। नेक्स्ट क्या करना है, अब वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ 10 फ्रिंजेस, फिर से नई विड्थ निकाल लो 10 × β'। जब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इंक्रीज बाय 0.5, पहले डिस्टेंस कितना था, 1, अब कितना हो गया, 1.5, 0.5 बढ़ गया, तो क्या करेंगे, 10 β' में 10 × λ d/d, अब स्मॉल डी लैमडा तो ऊपर का सेम यूज करना है, पर कैपिटल डी डैश क्या यूज करना है, 1.5, क्योंकि पहले कैपिटल डी कितना था, 1 मीटर, कह रहे 0.5 बढ़ गया, तो 1.5, तो नया बीटा डैश आ जाएगा और 10 × β' निकालना है। मेथड समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा पता है, स्लिट्स आर 0.1 cm अपार्ट, क्या गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, एंड स्क्रीन इज प्लेस 1 मीटर अवे, क्या गिवन है, कैपिटल डी पता है। कैलकुलेट एंगुलर पोजिशन ऑफ 10th मैक्सिमा, तुम 10th मैक्सिमा की दूरी निकाल सकते हो एन लैमडा डी बाई डी, एंगुलर पोजिशन का क्या शॉर्टकट बताया था, कैपिटल डी से इसे डिवाइड कर दो, तो कैपिटल डी कैंसल, एन की जगह 10 पुट कर दो, लैमडा और स्मॉल डी पता है, आंसर आंसर ऑटोमेटिकली रेडियस में ही आएगा। और ऐसे क्या निकालना है, सेपरेशन ऑफ एडजेसेंट मिनिमा, दो मिनिमा के बीच में दूरी क्या होती है, बीटा, बीटा का मतलब फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ निकालनी है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, कभी आया नहीं आज तक, और ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा जरूर हुआ है, पर इसके बारे में मेंशन कुछ भी नहीं है। विजिबिलिटी क्या निकलती है, विजिबिलिटी मिनिमम क्या होती है, वो कह रहा है सोडियम लाइट हैज टू वेवलेंथ, दो वेवलेंथ गिवन है सोडियम लाइट की, पाथ डिफरेंस इंक्रीज होता है, तो विजिबिलिटी मिनिमम कब होगी, तो एक नया फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर, पी फॉर विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी बाय लैम्डा 1, विजिबिलिटी बाय लैम्डा 2, हाफ का मल्टीपल भी मिनिमम होती है, पर इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है, आता नहीं है, कभी आया नहीं, आज तक नहीं आया, इसी बुक में गिवन और कहीं गिवन भी नहीं है वैसे। तो ये हो गया,
आपने अब करना क्या है, जो सब्जेक्टिव शीट्स है ना, सब्जेक्टिव शीट के अंदर दिखाना, सब्जेक्टिव शीट जो आपने डिपॉजिट करनी है अगली बार, सब्जेक्टिव शीट नंबर 65 और 66, 65 और 66, और 66 नंबर जो शीट है वो इसके ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर बेस्ड है।